हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है वेडनेसडे और शाम के बज रहे हैं 5। बच्चों को कुछ ठंडा पीना था तो मैं यहाँ पर ठंडाई बनाने के लिए आई हूँ। मैंने थोड़ा दूध ले लिया है और ये ठंडाई मैं स्मार्ट पॉइंट से लेके आई थी। होली पर 2 बॉटल लेके आई थी, 1 बॉटल तो ख़त्म हो गई और ये दूसरी बॉटल है, आधी बची है। इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट बहुत पसंद आया मेरे घर में सभी को, और जो गेस्ट आए थे उनको भी बहुत पसंद आया। सो फटाफट उनके लिए ठंडाई रेडी करती हूँ कि गर्मी बहुत है और किचन में बिल्कुल आने का मन नहीं करता है, लेकिन शाम हो गई है तो बच्चों को भी कुछ खाने पीने को चाहिए। और इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आधी ग्लास ठंडाई मैंने ली और बाकी थोड़ा दूध ले लूँगी और आइस डाल लूँगी और बाकी सारा कुछ इसमें ऐड रहता है। बस दूध में मिक्स करके थोड़ी आइस डाल लो और फटाफट ये रेडी हो जाती है। गेस्ट के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। होली में मेरे यहाँ काफ़ी लोग आए थे और लगभग सभी लोगों को मैंने ये दिया था तो बहुत पसंद किया सबने इसे। लीजिए, बस ठंडाई तैयार है फटाफट। और ये 2 ग्लास तो मैं उठा के फ्रिज में अपने और अपने हस्बैंड के लिए रख दूंगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी चाय पी है तो। और बस आशी के लिए मैंने चोको निकाल लिया है। चलिए बस बच्चों को देते हैं चल के। ये हैं वैभवी, अपनी पढ़ाई कर रही है और इतनी देर में देखिए कितना पसीना आ गया है। और ये रही आशी, मोबाइल, बस मोबाइल चल रहा है, कॉपी किताबें किनारे पड़ी हुई हैं। यहाँ मैं दोबारा से किचन में आ गई। मैंने सोचा बर्तन भी धुल लूँ और कल के लिए लंच के लिए बैगन भी मुझे भुनने थे। बच्चों ने कहा था बैगन का भरता बनाने के लिए, तो यहाँ मैंने बैगन भी एक तरफ रख दिए और बर्तन धुल लिए। दोपहर में फ्रेंड्स इतनी गर्मी हो जाती है कि फिर किचन में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बर्तन काफ़ी सारे ढेर लग गए थे तो वही मैं बर्तन धुल रही हूँ यहाँ पर। और फिर इसके बाद मुझे जाना है मार्केट, लेकिन मार्केट जाने से पहले पूरी डिनर की तैयारी करके जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ रोटियां सेकने को ही रह जाएंगी, क्योंकि मार्केट से आने के बाद कुछ काम नहीं होता है, फिर बड़ी थकान लगती है। सो मैं यहाँ पे फटाफट बर्तन धो रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में मेरे बर्तन धुल गए इतने सारे। और बैगन भी देखिए हो रहे हैं एक तरफ, बीच बीच में देखती जा रही हूँ, नहीं तो बैगन राजा गुस्सा हो जाएंगे। और ये देखिए मेरे बैगन हो गए हैं दोनों। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं मार्केट जाऊँगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं 9 और मेरा डिनर हो गया है। मार्केट से आने के बाद मैंने तुरंत ही शाम की आरती करी और डिनर तैयार करने में लग गई। सो डिनर तो टाइमली हो गया है, बस अभी हस्बैंड ने नहीं किया है तो अभी पूरा क्लीनिंग नहीं हुई है, तो यही बीच का थोड़ा टाइम मिला था तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शॉपिंग शेयर करते हैं। जेड स्क्वायर कानपुर का काफ़ी अच्छा मॉल है, बड़ा है और वहाँ की डेकोरेशन काफ़ी देखने लायक है, अच्छी है। तो वही थोड़ा सा घूम रही थी तो सुपर 99 में मुझे जो सामान है काफ़ी अफोर्डेबल लगा, अच्छा लगा, तो वहीं से थोड़ा बहुत मैंने ले लिया है। चलिए दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने लिया है, ये पूरा स्टोन लगा हुआ है और इसमें कैंडल अंदर रख के आप उसको जला सकते हैं, लाइट अप कर सकते हैं, और ये बहुत देखने में जब जलेगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा। और ऐसे मैंने 2 लिए हैं, इससे बड़े बड़े थे, बहुत सुंदर थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए हैं तो
हाँ कल की वीडियो में मैंने दिखाया है, बड़े बड़े थे, बहुत सुंदर थे, 700, 800, 900 इस तरीके की रेंज में थे। और ये मुझे पड़े हैं 149 का एक, तो ये मुझे सुंदर लगा, मैंने ये दो ले लिए। और दूसरा मैंने लिया है ये कटलरी स्टैंड, तो इसमें नाइफ है, अपने स्पून है। अच्छा, और इसका स्टील काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हैवी है और अच्छा है ये, तो मुझे ये अच्छा लगा। और भी थे लेकिन वो कम मुझे समझ में आए, ये अच्छा लगा। और मेन तो इसमें नीचे जाली है, तो इसमें ऐसा रहता है कि अगर आपने स्पून धो के रखे हैं तो अगर उसमें पानी है तो बिल्कुल निकल जाएगा, जमीन पानी रुकेगा नहीं, क्योंकि पानी अगर रुक जाता है तो अंदर वो गंदा भी हो जाता है, फिर उतना साफ नहीं रह पाता, उतना हाइजीनिक नहीं रह पाता है। तो इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पूरा जाली दी हुई है, तो स्टैंड अच्छे लगे और ये मैंने दो लिए। और ये मुझे पड़े हैं 179 का ईच, तो ये काफ़ी अच्छे हैं, स्टील काफ़ी अच्छी है इनकी और हैवी भी हैं। और मैंने ये लिए दो प्लेट्स, नाश्ते की प्लेट हैं, बाउल हैं, तो ये इस तरह की है। देखिए इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ब्लैक कलर में, इस समय काफ़ी इन है ब्लैक कलर। और भी काफ़ी 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 अच्छे उसमें थे, और भी बर्तन थे जो प्लेटिंग करने के लिए, कढ़ाई है, प्लेटर हैं, काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैंने ये लिया, मुझे अच्छे लग रहे थे नाश्ते के लिए दो, तो मैंने ये परचेज़ किया। और ये पड़ा है 99 का ईच। और एक मैंने ये ली स्टील की जाली आटा छानने के लिए, मेरे पास वैसी थी जो पहले थी मेरे पास प्लास्टिक की, तो वो ख़राब हो गई, फिर मैंने ऐसे ली वो आयरन की, तो वो भी अब ख़राबी होने वाली है। तो ये स्टील की मुझे अच्छी लगी, क्योंकि स्टील की चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये ले लिया एक। और ये मुझे पड़ा है 149 का। और एक ये मैंने लिया बॉटल साफ करने के लिए, इसमें ब्रश भी लगा हुआ है, उसका स्पंज भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो कितना भी उसका छोटी मतलब मुंह की बॉटल होगी आराम से उसमें चला जाएगा और आराम से बॉटल साफ हो जाएगी, तो ये मैंने लिया। और ये मुझे पड़ा है 119 का, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और इसकी हैंडल काफ़ी अच्छी है। वो पहले जो तार के होते थे ना, तो वो कुछ समय के बाद उसका हैंडल मुड़ जाता था, तो वो बड़ा दिक्कत करता था साफ करने में, और मेरे पास अभी भी है, और इसका ये हैंडल बहुत अच्छा है, तो ये मुझे पसंद आया और प्राइस भी अच्छा था, 119 का था, मुझे अच्छा लगा, एक ये मैंने ले लिया। और ये लिया मैंने ग्लास साफ करने का वाइपर, इसमें ये अच्छा है काफी, और ये इसमें ऐसे इन हो जाएगा, हाँ इसमें लिक्विड नहीं, ये इसमें ऐसे लग जाएगा, पता नहीं मुझे देखना पड़ेगा क्या है सिस्टम, मुझे लग रहा है इसमें अंदर से ये आपका जाएगा, इसमें लिक्विड जाएगा और ये ऐसे बंद हो जाएगा, हाँ ये ऐसे है, ये बंद हो जाएगा, तो ये इसको ऐसे पुश करेंगे तो यहाँ से लिक्विड निकलेगा और अच्छे से ग्लास साफ हो जाएगा, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने ले लिया। और इसका प्राइस पड़ा है मुझे 79 का। तो फ्रेंड्स यही रही शॉपिंग,
कैसा रहा आज का ब्लॉग, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा। और बस सो गुड नाइट, बाय बाय।